हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उपेन और आज हम लेकर आ रहे हैं वोकैब रूट सीरीज का नया चैप्टर, जिसका नाम है नया चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सेशन 1 से 3 कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों के पर्सनालिटी टाइप के बारे में पढ़े, जिसमें हमने बहुत सारे रूट वर्ड कवर किए। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ईगो, अल्टर, फर्टो, डेक्स्टर, ड्राइट, मिजन, गेमस और कुछ प्रीफिक्स हम लोगों ने कवर किया। इंट्रो, एक्स्ट्रो, बाई, MB, etc. एक रूट वर्ड छूट गया था, एस्केटिक्स। फ्रेंड्स, आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि चैप्टर 2 में क्या क्या हमें पढ़ना है। देखते हैं, चैप्टर 2 में हमें मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में 3 सेशन है। सेशन 4 और 5 में हमें रूट वर्ड पढ़ना है, ऑब्स्टेट्रिक्स, पैडोस, गाइन, पैडिस, डर्मा। और सेशन 6 में हमें पढ़ना है ऑप्थल्मोस, ऑर्थोस, कार्डियक, न्यूरॉन और साइकी। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक्स रूट वर्ड को लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग होता है मिडवाइफ, दाई। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है लैटिन रूट है। फ्रेंड्स, आज हम 2 रूट वर्ड पढ़ेंगे, जिसमें एक नेक्स्ट होगा पैडोस। चाइल्ड, बच्चा। तो चलिए अगली स्लाइड पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं इसे कौन कौन से वर्ड जनरेट हो सकते हैं। पहला ऑब्स्टेट्रिशियन, दूसरा ऑब्स्टेटिक, तीसरा ऑब्स्टेटिकल। आइए एक एक करके समझते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन, इसको 2 वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है, ऑब्स्टेटिक्स एंड आईसीएन। हमने बताया ऑब्स्टेटिक्स लैटिन रूट है, मीनिंग होता है मिडवाइफ, दाई। आईसीएन सफिक्स है, मीनिंग होता है एक्सपर्ट, निपुण। स्पेशलिस्ट हु डिलीवर्स बेबी एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएट आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद जो देखभाल करती है वही दाई कहलाती है। वह दाई जो बच्चा डिलीवर करने में एक्सपर्ट हो, ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाती है। ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक को यहाँ 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ये लैटिन रूट है, ऑब्स्टेट्रिक मीन्स मिडवाइफ यानी दाई, और आईसी है जेडी सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू। से संबंधित मतलब पर्टेनिंग टू मिडवाइफ। दाई से संबंधित, फ्रेंड्स, पहले समय में क्या होता था कि उस समय बहुत कम ही डॉक्टर होते थे जो बच्चा पैदा करा सके, तो उस समय दाई ही होती थी, ठीक है, जो बच्चा जन्म कराने में एक्सपर्ट होती थी।
तो वही अवधारणा जो रह गया सो रह गया। फ्रेंड्स यहाँ आई सी एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए ऑब्स्टेटिक हो गया एडजेक्टिव। ऑब्स्टेटिकल इसको तीन पार्ट में तोड़ा जा सकता है, ऑब्स्टेटिक्स मीनिंग होता है मिडवाइफ, दाई। आई सी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है और ए एल भी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है। आप दोनों को आई सी और ए एल को एक में मिलाकर भी एक सफिक्स बना सकते हैं, आई सी ए एल, मीनिंग वही होगा। लेकिन यहाँ हमने तोड़ दिया है आपको समझाने के लिए कि यहाँ दो एडजेक्टिव सफिक्स है। देखिए लास्ट सफिक्स हमारा ए एल एडजेक्टिव है, तो हमारा ये वर्ड जो हो जाएगा एडजेक्टिव होगा। आई सी एल का मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू, यानी पर्टेनिंग टू मिडवाइफ, दाई से संबंधित। फ्रेंड्स अगला हम देखते हैं रूट वर्ड पैडोस, देखते हैं इसे कौन कौन सा वर्ड जनरेट हो सकते हैं। पहला पेडियाट्रिशियन, दूसरा पेडियाट्रिक, तीसरा पेडियाट्रिक्स, एक एक करके समझते हैं। पेडियाट्रिशियन को हम तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं, पेडिया बना है पैडोस से, ये इट्रिया है और आईसीएन है। पैडोस एक ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है चाइल्ड यानी बच्चा। इट्रिया एक ग्रीक सफिक्स है, मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग, चिकित्सीय रूप से स्वस्थ करना। ऐसे हमारा सफिक्स है निपुण, एक्सपर्ट हो मेडिकली हिल द चाइल्ड। यानी वह एक्सपर्ट जो चिकित्सीय रूप से बच्चा को स्वस्थ करता हो। पेडियाट्रिशियन कहलाता है। फ्रेंड्स हमने बहुत जगह देखा है ये स्पेलिंग लिखा हुआ, बट ये स्पेलिंग गलत होता है, पी ई डी आई ए नहीं होता है, पी ए ई डी आई ए होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाल रोग विशेषज्ञ या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ। आईसीएन हमारा यहाँ नाउन सफिक्स है, इसीलिए कंप्लीट जो वर्ड होगा नाउन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स पेडियाट्रिक। देखिए हमने बताया पैडोस ग्रीक रूट है, मीनिंग होता है चाइल्ड, बच्चा या शिशु। इट्रिया ग्रीक सफिक्स है, मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग, चिकित्सीय रूप से स्वस्थ करना। आईसीआर जेडी सफिक्स है, मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू, मीन्स पर्टेनिंग टू मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड। यानी बच्चों को स्वस्थ करने से संबंधित। ऐसे है एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए कंप्लीट वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बाल रोग संबंधी या फिर शिशु रोग संबंधी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स पेडियाट्रिक्स, इसको चार वर्ड पार्ट में तोड़ा जा सकता है। हमने पहले पढ़ा पेडियाट्रिक, आईसी तक हमने पढ़ा था। पेडोस ग्रीक रूट, मीनिंग चाइल्ड यानी बच्चा। इट्रिया ग्रीक सफिक्स, मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग, चिकित्सीय रूप से स्वस्थ करना।
आई सी हमारा डी आर टी सफिक्स मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू, और एस जो होता है नाउन सफिक्स होता है मीनिंग होता है स्पेशलिटी। स्पेशलिटी इन मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चों को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ करने का विशेषज्ञता। पेडियाट्रिक्स कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स लगा, एक नाउन सफिक्स लगा है आईसी और एस, तो हमें एस पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये कंप्लीट वर्ड है क्या होगा। तो एस हमारा नाउन सफिक्स है तो एक कंप्लीट वर्ड नाउन होगा। बाल रोग विशेषज्ञता कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है।